हाँ, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल रूम बिल्डिंग है। ये जो पैनल है 11 KV के, जैसे इनकमिंग यहाँ पे वहाँ ट्रांसफार्मर से PTR से इस पैनल के अंदर 11 KV बाई केबल रूट होते हुए ट्रेंच रूट है, ट्रेंच रूट बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में होते हुए इनकमर के पास यहाँ पे आता है, दोनों PTR का इनकमर आया, बीच में एक बस कटर है। जैसे कि एक इनकमर से हमको नहीं चलाना है तो बस कटर से आप लेकर के पूरे पैनल को आप चार्ज कर सकते हैं। वो बस कटर से ऑपरेट करके सिलेक्शन करके कि भाई इस इनकमर को भी चलाना है तो आप चला सकते हैं। बाकी देख सकते हैं आप, ये इनकमर वन है, ये बस कपलर है और ये इनकमर टू है। बाकी जो है वो आउटगोइंग फीडर है। जैसे यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया कि चार डोमेस्टिक फीडर रहेंगे और दो एग्रीकल्चर फीडर रहेंगे, टोटल 6 फीडर, लेकिन हम लोग 5 ही लेंगे, 3 डोमेस्टिक और 2 एग्रीकल्चर। जैसे कि आप जानते हैं 1 स्पेयर फीडर हम लोग सभी में देते हैं। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से इसका क्या है। ये एक हम लोग यहाँ पे DDOIG प्रोजेक्ट में एक कैपेसिटर बैंक भी लगा हुआ है जो कि पावर फैक्टर करेक्शन में काम आता है, और ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन मीटर लगा हुआ है। जैसे कि आपका लोड बढ़ रहा है तो वो कितना KVR तक ले करके उसको रिड्यूस करके रिएक्टिव पावर को एक्टिव पावर में बदलेगा। तो ये देखते हैं कैपेसिटर बैंक पैनल है इसका, आप देख सकते हैं इसका नेम प्लेट है, टाइप जो है आप देख रहे हैं SIVP जो भी है, और रेटेड वोल्टेज 11 KV का है, फ्रीक्वेंसी 50 Hz, शॉर्ट टाइम करंट जो है 25 kA फॉर 3 सेकंड। शॉर्ट टाइम करंट मीन्स इसका जो भी शॉर्ट सर्किट करंट टाइम है वो 25 kA 3 सेकंड तक रख सकता, उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ तो वो ट्रिप कर देगा। उसके बाद स्विंग ब्रेकिंग कैपेसिटी है 62.5 kA में। PCT रेशियो आप देख सकते हैं 600, 300, 150 by 5 to 5 एम्पियर, मीन्स ये 600 मैक्सिमम तक जाएगा करंट तक और 150 करंट तक मिनिमम जाएगा, और उसको जैसे कि 150 है उसको भाई 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 150 एम्पियर है उसको 5 एम्पियर में दिखाएगा, 300 है तो वो सीधे डबल हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि वो रेशियो में दिया हुआ है, स्कीम लिखा हुआ है DDOIG। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है TKC जिसको बोलते हैं, वकील पावर कंपोनेंट है। उसके बाद रेटेड करंट है ये 1250 एम्पियर का ये है पैनल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि PF जो है विथ स्टैंड वोल्टेज 28 KV RMS, इसको डीप से जाएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकली बहुत डीप चले जाएंगे हम लोग। जैसे कि विथ स्टैंड वोल्टेज कितना होता है एक का, तो वो 28 KV तक वो उठा सकता है, 11 KV जैसे है तो ये 28 KV तक इसका रूट मीन स्क्वायर जो है RMS रूट मीन स्क्वायर ये उठा सकता है। इम्पल्स स्टैंड वोल्टेज मतलब एट ए टाइम एक बार में कितना वोल्टेज उठा सकता है, 75 KV पीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग ड्यूटी दिया हुआ है 0.3 सेकेंड्स, CO से 3 मिनट तक दिया हुआ है। सन ट्रिप क्लोज क्वाइल है जो 30 वोल्ट DC का है, एक क्लोज क्वाइल होता है जैसे कि हम लोग जब ब्रेकर को क्लोज किए या कुछ हुआ तो वो क्लोज का एक क्वाइल रहता है उसमें जो 30 वोल्ट DC से ऑपरेट होगा। पैनल का वेट दिया हुआ है, तो ये है हमारा कैपेसिटर बैंक का पैनल का। उसके बाद ये आउटगोइंग आता है एक 11 KV का, जैसे कि यहाँ पे जैसा बताया कि 4 आउटगोइंग डोमेस्टिक के और 2 एग्रीकल्चर के, इनका भी आप देख सकते हैं 11 KV है, 50 Hz है, 25 KV फॉर 3 सेकंड, 62.5 kA है ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है, और सिटी रेशियो फिर वही विस्टैंड वोल्टेज जो भी है ब्रेकर का, और 30 वोल्ट DC इसका कॉइल वोल्टेज दिया हुआ है, और ये DC में दिया रहता है। मान लीजिए कि AC फेल हो गया हमारा तो वो क्लोज करना है तो वो 30 वोल्ट में वो क्लोज हो जाएगा, इसलिए हम लोग DC देते हैं। आगे आते हैं, ये और वही हो गया, अब ये इनकमर हुआ। एक चीज आप देख सकते हैं कि ये इनकमर है जो कि ये जो है कैपेसिटी इसका जो है ये 1200 एम्पियर का है, 1250 का। ये 11 KV है, 50 Hz सेम है क्योंकि सारे 11 KV के पैनल है, उतना ही का दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो सिटी रेशियो है 1200 से आप देख सकते हैं, तो ये 1200 एम्पियर तक का करंट जो है वो रेटेड करंट का कैपेसिटी आप इसमें दिया हुआ है कि ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ये पीछे साइड देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पैनल के पीछे साइड वो PT लगा हुआ है, तो वो PT है, जो PT जो है अलग से दिया गया है इसमें, जो पीछे में पैनल के पीछे लगा हुआ है। तो ये हमारा सारे पैनल है। तो ये आते हैं तो एक 11 KV फीडर पैनल में क्या क्या रहता है ये चीज़ दिखाते हैं। एक हुटर है, बेल है, जो साउंड है जैसे अलार्म का है, ट्रिप का है, वो साउंड करेगा। ये एनोसिएटर है, एनोसिएटर बहुत सारे विंडो को कहते हैं, 6 विंडो, 12 विंडो,
24 विंडो, बड़े बड़े पैनल में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री में तो आपको बहुत सारे इनिशिएटिव विंडो मिलते हैं। इनिशिएटिव विंडो है क्या, जैसे कोई भी आपका रिले लगा हुआ है तो उसके बारे में वो वहाँ पे एक ओवर अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेटेड, यदि ये रिले ऑपरेट होता है तो यहाँ से दिखा सकता है कि ओवर अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट हुआ है। जैसे आपको यहाँ नहीं पता चल रहा तो इनिशिएटिव विंडो में आपको साफ साफ वो ब्लिंक करने लगेगा कि अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट रिले का वो उस पर ट्रिक किया है। ये मास्टर ट्रिप रिले है, देख सकते हो ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले, उसके बाद ये मास्टर ट्रिप रिले है। मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट होने का मतलब है कि ये अब उसके बाद जब तक ये हम रिसेट नहीं करते हैं मास्टर ट्रिप को, तब तक आपका पैनल ये चालू नहीं हो सकता है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं रिसेट करने का बटन है, जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो वो फ्लैग गिर जाता है, फ्लैग उसको बोलते हैं, जो कि रेड कलर का आ जाएगा, फिर उसको रिसेट करेंगे। अब देखिए ये जो है ये हमारा ट्राई वेक्टर मीटर है, इसमें वो दिखाया है कि आर फेज में कितना है, वाई फेज में कितना है, बी फेज में कितना है, कैपेसिटर वैल्यू कितना है, बाकी जो भी मीटर में रहते हैं उसके बारे में ये दिखाया है। ये टेस्टर में ब्लॉक है, जो सिटी का कनेक्शन रहता है वो टेस्टिंग पर्पज से डाला हुआ रहता है। उसके बाद देख सकते हैं ये स्विच है, लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच, आपको किस में ऑपरेट करना है, लोकल में करना है या रिमोट में करना है, तो ये बटन दिया हुआ है लोकल का, एक है रिमोट का, ऐसे करेंगे तो रिमोट हो जाएगा। उसके बाद ये टीएनसी ब्रेकर स्विच, इसको बोलते हैं ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, अभी न्यूट्रल में है, यदि हमको ट्रिप करना है मीन्स लाइन को काटना है तो हम लोग ट्रिप कर देंगे और फिर ये अपने पोजिशन न्यूट्रल पर चले जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि ब्रेकर को क्लोज करना है, क्लोज मतलब कि ऑन करना है, चालू करना है, तो यहाँ से आप ये हैंडी से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ये वीएसएस वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है, जैसे तीन फेज हो गया आर वाई बी, तो आर वाई वाई बी और बी आर के फेज टू फेज में ये करंट वोल्टेज दिखाएगा कितना वोल्टेज है, तो ये देख सकते हैं वीएसएस वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच, ये आर वाई है यहाँ पे, तो आर वाई का भी दिखा रहा है, फिर वाई बी में डाल देंगे, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, वाई बी में नहीं दिखा रहा है, देखिए हाँ बी वाई में 12 दिखा रहा है। और उसके बाद एक ऑफ का बटन है जो ऑफ हो गया, देखिए ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ऑफ हो गया। उसके बाद आर वाई में गए तो आर वाई में इतना वोल्टेज दिखा रहा है, वाई बी में गए ये देखिए वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट, और उसके बाद है आर बी में तो आर बी में 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये एमीटर है, ये एमिटर सेलेक्टर स्विच है, जैसे आर का भी ये 30.5 दिखा रहा है कि इतने लोड पे चल रहा है, इसको फिर वाई में भी डाल सकते हैं ऐसे, ये ऑफ हो गया सॉरी, ये आर में दिखा रहा है 29.2, मतलब कि करंट जो ले रहा है वो 29 एम्पियर्स ले रहा है, वाई में फिर दिखा रहा है तो कितना करंट ले रहा है, तो ये 27 एम्पियर ले रहा है, बी में देख रहे हैं तो बी में कितना ले रहा है वो 31.4 एम्पियर दिखा रहा है, और इसके बाद ऑफ का स्विच है जो ऑफ हो गया, तो ये हमारा सेलेक्टर स्विच है और बाकी सारे स्विच के बारे में बता दिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते हैं, एलईडी जो लाइट्स लगे हैं ये जनरली हम लोग डीसी वोल्टेज में इसलिए देते हैं कि मान लीजिए एसी सप्लाई चला गया तो एलईडी लाइट जलते रहेंगे कि दिखाएंगे कि हाँ भाई ये वीसीबी ऑन है ऑफ है जो भी है, तो ये अलार्म एक्सेप्ट है, जैसे इनिशिएटर में बजेगा हम यहाँ से अलार्म को एक्सेप्ट करेंगे तो वो बजना बंद हो जाएगा, फिर हम लोग हूटर का साउंड जो है बहुत तेज होता है तो वो थोड़ा सा उसको मतलब बंद करने के लिए यहाँ से आप अलार्म एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं एसी सप्लाई फेल, यदि एसी सप्लाई का फेल होता है तो ये एलईडी जलेगा, डीसी सप्लाई फेल का है, ट्रिप सर्किट हेल्दी का जलना चाहिए नहीं जल रहा है, कुछ सकता प्रॉब्लम है, जल रहा है हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा लाइट दे रहा है यहाँ पे ट्रिप सर्किट हेल्दी, ये ऑटो ट्रिप है, मान लीजिए ट्रिप हो गया खुद से तो ये जल जाएगा। स्प्रिंग चार्जिंग जलते रहेगा क्योंकि स्प्रिंग हमारा चार्ज है तो ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज है वो चल रहा है, ब्रेकर वीसीबी ऑन वीसीबी ऑन वीसीबी ऑफ वीसीबी ऑफ, एक्स्ट्रा हम लोग देके रखे हैं, देखिए वीसीबी ऑन है तो वीसीबी ऑन दिखा रहा है, ये वीसीबी ऑफ का है तो ऑफ दिखा रहा है, दोनों इसमें ऑन है तो एक ऑन दिखा रहा है। और इसमें एक पैनल में एक और जरूरी चीज होता है इमरजेंसी ट्रिप, मान लीजिए कुछ हादसा हो गया कुछ हो गया तो इमरजेंसी में ट्रिप करना, जो कि हम आके इसको दबा देंगे तो ये पैनल ट्रिप कर जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इमरजेंसी फीडर में किया जाता है, ऐसे आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये था आपको 11 केवी के पैनल का फीडर के बारे में। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रिले मीटरिंग पैनल है, 3 केवी कंट्रोल एंड रिले पैनल फॉर ट्रांसफॉर्मर विद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। देखिए अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आया जिसको बोलते हैं हम लोग पीएस क्लास, वहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे पीएस क्लास, उसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी समझाया था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता क्या है। आर वाई बी तीन फेज में जब करंट जा रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो, जैसे उसमें परसेंटेज रहता है 15%, 10%, उससे कम ज़्यादा का हो तो उसमें क्या होता है कि हीटिंग ज़्यादा होने लगता है, तो उसको डिफरेंशियल में हम लोग अलार्म देगा, उसके बाद ट्रिपिंग हो जाएगा,
इस तो सेटिंग में देखना पड़ेगा कि डायरेक्टली ट्रिपिंग लिया हुआ है या अलार्म लिया हुआ है। देखिए इसमें भी बहुत सारे ये एनिशिएटेड विंडो है इसका, जैसे ये 12 विंडो का ये एनिशिएटर स्विच है। ऊपर में वोल्ट मीटर है जो दिखा रहा है आपको कितना वोल्टेज है, करंट, ये करंट, 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 ये RYB का अभी देखिए दिखा रहा है 8.1 ब्लिंक कर रहा है। और ये इनिशिएटर, ये LED लाइट्स हैं, LED लाइट्स के बारे में वहाँ पे हमने बता दिया था, सेम टू सेम है कि थोड़ा बहुत अंतर होगा, जैसे मास्टर ट्रिप रीसेट है यहाँ पे, ये दिया हुआ है R फेज का दिया हुआ है, Y फेज का, B फेज का LED है सारा का, ट्रिप सर्किट हेल्दी का दिया हुआ है, ऑटो ट्रिप स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, यहाँ भी देख सकते हैं वोल्ट मीटर सिलेक्शन स्विच है, RY का, YB का, BN का, न्यूट्रल का भी इसमें दिया हुआ है कि Y से न्यूट्रल का, B से न्यूट्रल का कितना दिखा रहा है, तो ये आप लोग चेंज करके हम देख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर ऑफ का ये LED है, ये ऑन का देखिए अभी चालू है तो ये ऑन का दिखा रहा है। इसमें भी TNC स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, ठीक है। ये सेमाफोर है, सेमाफोर होता है एक, ये जो होता है ये SLD टाइप का होता है, सिंगल लाइट डायग्राम टाइप का, जो कि कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ से सेमाफोर है, ये अगर हम क्लोज करते हैं या ट्रिप करते हैं तो ये इस पोजिशन पर आ जाएगा, हॉरिजेंटली पोजिशन पर आ जाएगा, ये कट गया है, तो ये जो है ये IS इंडियन स्टैंडर्ड्स को ले करके बनाया रहता है रिले मीटरिंग पैनल का, जो कि ये स्टेलमेक की तरफ से बना हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं ये जो है लोकल और रिमोट का स्विच दिया हुआ है, लोकल में चलाना है, रिमोट में चलाना है, बाकी आप यहाँ पे चलिए अब आते हैं। ये तो ये मीटर हो गया अपना, ये ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट जैसे कि करंट आपका एक्सीड कर गया रेटेड करंट से तो ये ओवर करंट है में ट्रिप कर जाएगा, पहले अलार्म देगा उसके बाद ट्रिपिंग करेगा, उसके बाद अर्थ फॉल्ट है कहीं से कुछ फॉल्ट हुआ, न्यूट्रल से कहीं ग्राउंड में कुछ फॉल्ट हुआ, ज़्यादा फॉल्ट हुआ कुछ गया तो वो अर्थ फॉल्ट ट्रिप कर देगा। उसके बाद डिफरेंशियल रिले है, जैसे कि फेस टू फेस करंट में आपको कुछ डिफरेंस आया तो ये डिफरेंशियल रिले होता है। ये देखिए ये रेसिस्टर अर्थ फॉल्ट रिले है, ये जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, इसमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल से ट्रांसफार्मर को बचाता है, जैसे जब करंट जा रहा है न्यूट्रल में तो कितना जाना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वो रेसिस्टर अर्थ फॉल्ट में ट्रिप मार देगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी उसका बहुत ज़्यादा इंडस करंट उस समय जाता है, इसे रेसिस्टेड अर्थ फॉल्ट रिले जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल में लेते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल रिले है, जैसे कि बता दिए ये हमारा जो रिले है ये जनरल रिले होता है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि इसको बोलते हैं मैकेनिकल रिले, तो अलग अलग रिले है इसका, जैसे कोई भी ऑपरेट किया तो उसको देखना पड़ेगा कहाँ फॉल्ट है। और ये है आपका ट्रांसफार्मर फॉल्ट रिले, जो कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ से फॉल्ट हुआ, जैसे ऑयल टेम्परेचर ट्रिप, मतलब ऑयल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया, जैसे कि हमने बता जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए ऑयल टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से ऊपर चला गया, उसमें ट्रिपिंग है तो वो ट्रिप हो जाएगा। बुकोल्ज है, बुकोल जो होता है मेन हर्ट ऑफ द PTR बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर का, तो बुकोल्ज में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो बुकोल्ज ट्रिप मार देगा। OLTC ऑन लोड टेप चेंजर बुकोल्ज टू ट्रिप, वो OLTC का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वही टाइप चेंजर जो हमने बताया था कि मैनुअली होता और एक ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ मैनुअली ऑन लोड टेप चेंजर है तो वो कभी प्रॉब्लम आया तो वो मार देगा। एक PRV होता है ट्रिप, जो यहाँ पे देख सकते हैं मेन टैंक PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रिप, यदि प्रेशर रिलीफ ज़्यादा प्रेशर हो गया गैस का या ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता, मतलब कि कंटेंट ज़्यादा होता ऑयल में जब, तो वो ट्रिप मार देता प्रेशर रिलीफ वाल्व, वहाँ से संट हो जाएगा। फिर OLC PRV ट्रिप है, ऑन लोड टेप चेंजर प्रेशर रिलीफ वाल्व, उसका भी ट्रिपिंग दिया हुआ है। बाद में नीचे भी देख सकते हैं कि पहले अलार्म होगा उसके बाद ट्रिपिंग आएगा, जब भी देखना है। देखिए बुकोज टू अलार्म दिया हुआ है, MOG अलार्म दिया हुआ है, मैग्नेटिक ऑयल गैस जिसको बोलते हैं, जैसे कि उसमें कम हो गया बहुत सारा तेल, बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसका अलार्म हो गया। WTI टेम्परेचर अलार्म है, ऑयल टेम्परेचर अलार्म है, ऐसा कि देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर विद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, दो ट्रांसफार्मर विद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, दो PTR का, और उधर देख सकते हैं कंट्रोल रिले के लिए फॉर फीडर प्रोटेक्शन। फीडर प्रोटेक्शन में क्या होता है, जिन फीडर प्रोटेक्शन होता है जो कि ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट लिया हुआ है, इसमें आप लोगों को RF रेजिस्टर अर्थ फॉल्ट नहीं लेना है, और जो कि मेनली वो ट्रांसफार्मर के लिए रहता है। डिफरेंशियल आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो कॉस्टिंग को भी देख के लिया जाता है, तो इसमें आप जनरली ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट ही हम लोग लेते हैं। तो ये था हमारा रिले एंड कंट्रोल पैनल का डिस्क्रिप्शन, इनिशिएटर विंडो, फिर आपका वो वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, ये आपका ट्राई वेक्टर मीटर, अर्थ फॉल्ट रिले, TNC स्विच, वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच, PT सेलेक्टर स्विच, कौन सा PT देखना है, PT1, PT2, PT3, सेमाफोर दिया हुआ है जो हमने बताया कि वो SLD टाइप का रहता है, वो एक IS के हिसाब से वो दिया ही जाता है,
जो कि सारे आपको रिले कंट्रोल पैनल में मिलेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। और देख सकते हैं मैकेनिकल रिले है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले है, इलेक्ट्रॉनिक रिले लगे हुए हैं। तो जिस चीज़ का जो जो फंक्शन है उसके अनुसार वो रिले लिया जाता है। चलिए देख सकते हैं ये 11 केवी जो अपना कंट्रोल रूम बिल्डिंग है, 11 केवी के पास एक ये अपना बैटरी चार्जर रखा हुआ है, वो बैटरी चार्जर है। और ये जो है आपका उसका एक बॉक्स है, डीसी टीवी बॉक्स, जो उसके थ्रू जो डीसी हम लोग एलईडी को दे रहे हैं, रिले को दे रहे हैं, जितना वोल्टेज है तो यहाँ से वो दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये चार्जर है और जो कि बूस्ट ऑफ फ्लोट कम मोड में है। जब हम लोगों को सिंपली ऐसे चलाना है तो फ्लोट मोड में रहेगा। यदि हम लोग को चार्ज करना है, बैटरी में पानी कम हो गया, ऐसा कुछ हो गया या वोल्टेज कम दे रहा है, तो हम लोग बूस्ट में ला देंगे, वो बूस्ट में फिर दिखाएगा ऑटोमेटिकली, फिर वो बंद हो जाएगा बूस्ट में, फिर हम लोग फ्लोट में करके उसको चलाएंगे। इसमें भी एनिसोटर विंडो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पैनल में एनिसोटर विंडो लगे हुए हैं। ये डीसी आउटपुट है, फ्लोट और बूस्ट का एक बटन दिया हुआ है, बैटरी चार्जर पैनल डीसी वोल्ट 30 वोल्ट टू 40 एम्पीयर जो उसका है वो रेटेड करंट के हैं। और उसके बगल में देख सकते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ, जैसे लाइट को, फैन को, पंप जो चल रहे हैं उसके लिए दिया गया है। जैसे 11 के भी हमारा पैनल में भी जा रहा है एसी सप्लाई, जो देख सकते हैं 11 KV 1, 11 KV 2, CRP कंट्रोल रिले पैनल, ये सब इस MCB के थ्रू जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इस तरह का कनेक्शन दिया हुआ, नहीं तो बाकी जब फिनिशिंग हो जाएगा ये डोर वोर बंद करके क्लोज हो जाएंगे। RYB फेज मीटर लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच भी है और एम्पीडेंस सेलेक्टर स्विच भी है, RYB फेज और RYB फेज का देख सकते हैं। ये हमारा MCB लगा हुआ है 1 और 2, तो ये हमारा ACDV बॉक्स था। आगे ये हमारा बैटरी बैंक है, जो कि ये जो है बैटरी बैंक आपका 2, 2, 4, 2, 6, 7, 15 बैटरी लगे हुए हैं। ये बैटरी जो है वो बैटरी चार्जर को जाएंगे और ये बैटरी स्टैंड पे रहना चाहिए, लेकिन स्टैंड पे नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि अभी काम चल ही रहा है, तो यहाँ से बैटरी वो चार्ज करके और फिर हम लोग DC वोल्टेज से देते हैं। तो ये हमारा बैटरी था जो बैटरी चार्जर को जाता है। उसके लिए हाइड्रोमीटर भी रखा हुआ है, जैसे पानी कम हो गया तो इससे आप मेजर कर सकते हैं। ये 1150 तक रहेगा, इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर और एसिड जो है जो भी है इसमें डुबाएंगे, यहाँ पे इसको खोल करके नॉब को, जैसे किसी में एसिड वो कम लेवल हो गया पानी का डिस्टिल्ड वाटर का, तो इसको खोल करके आप डिस्टिल्ड वाटर डालिए, एसिड डालिए। और ये हाइड्रोकॉपिक मीटर से आप देख सकते हैं जब 1150 में मार गया तो वो सही है, उससे कम हुआ तो फिर पानी हम लोग डालेंगे। और इसमें जो होता है इसमें हम लोग को चीनी लगाना चाहिए साइड साइड में, जैसे यहाँ पे तो रस्टिंग अभी लग रहा है तो इसको क्लीन करवा दिया जाएगा। देखिए डिस्टिल वाटर भी रखा हुआ है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो। ये 11 KV आउटगोइंग फीडर है, जो कि यहाँ से जाते हुए आप देख सकते हैं टोटल 6 फीडर हैं और एक सब स्टेशन के लिए है फीडर, वहाँ पे देख सकते हैं कैमरा उधर तरफ, सब स्टेशन फीडर की तरफ आप दिखा सकते हैं। और बगल में कैपेसिटर बैंक है, जो कि ये सारा स्ट्रक्चर है वही कैपेसिटर बैंक का, वही काम जो था जो मैंने बहुत बताया कि एक्टिव पावर को एक्टिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कभी हमारा पावर फैक्टर बहुत कम पे चल रहा है 0.8 पे, उसको 0.95 पे ले जाना है तो कितना KVR जरूरत पड़ेगा, तो जनरली जितना मेगावाट यूज़ कर रहे हैं उसको 0.4 से या 0.45 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक जनरल फंडामेंटल है कि वो 0.85 से वो 0.95 तक चला जाएगा। जैसे कि आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, इसका एक कैलकुलेशन होता है तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ये बस थंब रूल से मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने भी डिज़ाइन किया है कैपेसिटर बैंक पहले भी, तो उसके अनुसार बता रहा हूँ, जो भी मेगावाट होगा उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 0.85 से 0.95 के बीच में आपको लाना है, रिएक्टिव को एक्टिव पावर में बदलना है, तो वो उतने का आ जाएगा। जैसे 5 मेगावाट है, 5 मेगावाट को हम लोगों को चाहिए कि 0.85 पे चल रहा हमको 0.95 पे चाहिए, तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 × 4 = 200 KVR जो है वो आपका उतना मैनेज कर देगा, वो रिएक्टिव पावर कैपेसिटर के थ्रू उतना रिएक्टिव पावर को एक्टिव पावर में बदल देगा। हाँ, तो बाकी ये देख सकते हैं 11 केवी का फीडर है, यहाँ पे एक अर्थ स्विच का हैंडल लगा हुआ है और एक आपका स्विच का हैंडल है, तो यहाँ से जो है हमारा 11 केवी फीडर जाता है। ये देख सकते हैं एक पाइप है, वो GA पाइप के अंदर हमारा केबल रहता है प्रोटेक्शन के रूप में, और वहाँ पर देख सकते हैं कि वो किट के थ्रू आपका कंडक्टर गया हुआ है स्विच में,
वो स्विच के थ्रू फिर ऊपर में कनेक्शन होता है। देखिए लास्ट वाले में कनेक्शन किया हुआ है, ये बोले नहीं वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, उस समय का वीडियो है, वहाँ पे देख सकते हैं कि कनेक्शन किया हुआ है। फिर वो 11 kV अपने पोल के थ्रू, 9 मीटर पोल के थ्रू अपना जो फीडर है, एजी फीडर है, तो एजी फीडर को जाएंगे। तो ये था हमारा सब स्टेशन का पूरा 11 kV का, कंट्रोल रूम का और स्विच यार्ड का। बाकी और डीप में जो वीडियो बनाना है, जैसे सीटी का और पीटी का, कैपेसिटर बैंक का, इस सब का एलोबरेट मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।